नमस्कार दोस्तों, टेक माइंड इस यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम हमारे काइन मास्टर में खुद का जो फॉन्ट होता है, यानी हमारे हिसाब से हमें जो फॉन्ट चाहिए उस फॉन्ट को हम इंस्टॉल करने वाले। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गणेश, आप देख रहे हैं टेक माइंड। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड और भी वीडियो देखना चाहते हो तो इस वीडियो के नीचे जो लाल सब्सक्राइब का बटन है उस पर टैप कीजिए। उसके बाद बेल आइकॉन को भी इनेबल कर दीजिए। ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हो सके तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। इसके लिए आपको क्या करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक जो डाउनलोड की लिंक दी हुई है उस पर आपको जाना है और एक एप्लीकेशन जो है वो आपको इंस्टॉल कर लेना है। तो ये KM फोन इंस्टॉलर जो है, ये जो एप्लीकेशन है आपको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल कर हो जाने के बाद मैं यहाँ पे इसको ओपन कर रहा हूँ। तो ये जो है स्टोरेज एक्सेस मांग रहा है तो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो ये जो है इस प्रकार से दिखाई देगा, हमें ओके पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको ये काइन मास्टर मोड, ये जो एप्लीकेशन है, ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है मेनू, उस पर टैप करना है। उसके बाद आपको एक ब्राउज़र खोल लेना है। तो यहाँ पे आपको एक फ़ाइल जो है डाउनलोड के लिए मिलेगी, यानी काइन मास्टर का मोड है। इसमें काइन मास्टर का वहाँ पे लोगो भी नहीं आता और ये जो है आपको यहाँ से डाउनलोड मेरा कंप्लीट हो चुका है। तो इसके बाद मैं चला जाऊँगा डाउनलोड्स में और जहाँ पे मैंने ये जो फ़ाइल डाउनलोड की है मैं उस पर क्लिक करूँगा। तो इसको मैं ओपन करने से पहले हमारा जो पुराना काइन मास्टर जो है उसको हमें निकाल देना है। तो इसको मैं यहाँ से अनइंस्टॉल कर रहा हूँ। जब ये पुराना अनइंस्टॉल हो जाएगा तभी हम नया जो है डाउनलोड किया हुआ इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा सेटिंग डाउनलोड्स में है और यहाँ पे मैं काइन मास्टर को इंस्टॉल कर रहा हूँ। तो थोड़ी ही देर में मेरा काइन मास्टर जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। 80 MB का ये सॉफ्टवेयर है, थोड़ा टाइम यहाँ पे इंस्टॉलिंग के लिए लग सकता है। तो काइन मास्टर एक बार इंस्टॉल होने के बाद हमें उसे ओपन नहीं करना है, हम यहाँ पे डन करने वाले हैं। या फिर आप ओपन भी कर सकते हैं, देखते हैं हम काइन मास्टर को। यहाँ पर ये जो पहले जैसा ही काइन मास्टर है यहाँ पर मैं अलाउ कर रहा हूँ और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाएगा। स्टार्ट पर क्लिक करेंगे तो हमारा काइन मास्टर कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। अब हमें जो हमने एप्लीकेशन इंस्टॉल किया होता KM फॉन्ट, तो इसको हमें ओपन कर लेना है और यहाँ पे जो इंस्टॉल फॉन्ट है इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जहाँ पे आपकी फॉन्ट फाइल है वो आपको देख लेना है। सबसे पहले तो आप डाउनलोड्स में ही आपकी जो फॉन्ट की जो फाइल होगी, तो ये जो यात्रा TTF ये जो फाइल है इसको मैं यहाँ पर ओपन करूँगा तो डाउनलोड कंप्लीट ऐसा आ जाएगा। एड्स भी यहाँ पे आती है तो यहाँ पे देखिए सक्सेस दिखा रहा है, yatra.ttf सक्सेस, यानी ये फॉन्ट जो है हमारे काइन मास्टर में इंस्टॉल हो चुका है। तो मैं आपको दिखा दूंगा कि सच में हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए हम यहाँ से एक टैंपलेट और ले लेंगे और यहाँ पे जो है ठीक है मीडिया में चले जाएंगे। बैकग्राउंड एक मैं बैकग्राउंड यहाँ से ब्लैक बैकग्राउंड जो है वो मैं यहाँ से ले लूँगा और यहाँ पर मैं जाऊँगा टेक्स्ट में। तो टेक्स्ट में हाई दिस इज़ गणेश ऐसा मैं टाइप कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये टाइप हो जाएगा। अब हमें इसको फॉन्ट ले लेना है तो हम यहाँ पे फॉन्ट में जाएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइट्स लेफ्ट साइड में लैटिन फॉन्ट है और ये जो माय फॉन्ट है जहाँ पे हमने हमारे फॉन्ट डाउनलोड करके इंस्टॉल किए हैं वो फॉन्ट हम यहाँ से ले लेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। तो इस प्रकार से आप अपने हिसाब से जितने भी आपके फॉन्ट हैं, कोई इसमें लिमिट नहीं है, कितने भी फॉन्ट आप यहाँ पे काइन मास्टर में इंस्टॉल कर सकते हो। ये काइन मास्टर बिल्कुल भी फ्री है, लाइसेंस नहीं मांगेगा कहीं पर भी, इसका जो लोगो आता है ऊपर वो भी नहीं आने वाला है और फ्री में काइन मास्टर जो है आप इंस्टॉल कर सकते हो, यूज़ भी कर सकते हो। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा और साथ ही साथ आपको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछना हो तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट टाइप करके पूछ सकते हो, मैं आपके कमेंट का 100% जवाब दूंगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।